किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम आए हैं न्यू होलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी पर और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कई मॉडल खड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यू होलैंड 3600 TX हेरिटेज एडिशन की। भाइयों ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर 47 HP के साथ मारता है और ये सुपर मॉडल है, पावर स्टीयरिंग वाला ये देख सकते हैं आप, और इनलाइन पंप में है। फ्रंट टायर इसमें आपको 750/16 के मिलेंगे और पिछले टायर इसमें आपको 14/9/28 के मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है भाइयों, इसका जो फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल में आपको मिलता है। ये यहाँ पे आप इसकी सो देख सकते हैं, इसकी बनावट कितनी प्यारी बनी हुई है। और इसके अंदर जो है जो बम्पर कंपनी ने दिया हुआ है, इसके अंदर वेट जो है वेट भी लगा हुआ है, जिसे चून बरुद्दा बोल देते हैं वो इसके अंदर है। तो इसमें किसी और अलग सा बम्पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप देख लो ट्रैक्टर की जो बनावट है कितनी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बना रखा। और इंजन आप देख सकते हैं इसमें अवाको कंपनी का इंजन है, जो न्यू होलैंड में काफ़ी मतलब फेमस इंजन है। उच्चे पायदान है, साइड गियर है और भाई ये एडजस्टेबल सीट है इसकी। एक बार मैं ऊपर बैठ के आपको दिखा देता हूँ न्यू होलैंड की सीट। भाई बैठ के ऐसे लगता है बस बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम गाड़ी की तरह। क्लच जो है इसमें डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंस क्लच इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको आप क्लच का पैडल बोलते हैं, ये अलग से इसमें आता है। लो हाई दो स्पीड इसमें आपको मिलती हैं और चार गियर ये देख सकते हैं, चार गियर इसमें आगे के हैं और एक गियर इसका बैक का है। एक बार मैं देख लूँ इसे, न्यूट्रल में शायद स्टार्ट होगा। ये पहले न्यूट्रल कर लेते हैं इसे एक बार, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, अभी इसे स्टार्ट करेंगे। आवाज़ देखो ट्रैक्टर की कितनी शानदार है। और सबसे अच्छी बात जो है ट्रैक्टर में बिल्कुल भी कोई किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं इसका कितना शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप देख लो जैसे ट्रैक्टर स्लो पे स्टार्ट है, बिल्कुल आरपीएम जो है इसके 600-700 के आसपास है और बिल्कुल भी ट्रैक्टर में किसी भी तरह का ये महसूस नहीं आप कर सकते कि किसी भी तरह का इसमें बैलेंसिंग है, मतलब वाइब्रेशन। और पिकअप देखो आप इसका, बहुत ही एक्टिव इंजन है, बहुत ज़बरदस्त पिकअप बोलते हैं। मरगाड़ जो है साइड के बड़े बड़े हैं। एक बार जो है भाइयों हम इसकी थोड़ा सा इधर चला के देखते हैं। शायद इसके जो है हैंड ब्रेक यहाँ होंगे, ये देख सकते हैं आप। ट्रैक्टर जो है चलने पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, मतलब जैसे कुछ अनजान चीज़ आप चला रहे हो। और रिवर्स जो है इसका, जैसे आप हाथ बाहर करके लगा दोगे तो तुरंत ट्रैक्टर रिवर्स में लग जाएगा। इसकी एक चीज़ और बहुत अच्छी लग रही है मुझे, जो अभी मैं चला के इसे महसूस कर रहा हूँ, यहाँ भाई वो ट्रैफिक रोड पे ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं से ले जा रहा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें कंपनी ने क्या चेंज कर दिया। इसे बंद कर लेते हैं, यहाँ इसका हैंड है और न्यूट्रल कर देंगे इसे और मैं नीचे उतर जाता हूँ एक बार। और भाई और रिम देखो आप इसके कितने हैवी ड्यूटी बनाए हुए हैं कंपनी ने, मरघाट की बनावट आप देख लो कितनी शानदार है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है भाइयों, ये सीधे एक्सल में है जो सुपर में आता है, ये बिल्कुल सीधा एक्सल है।
कुछ भाई ये कह देते हैं कि जो घुमावदार है जैसे 36-30 आता है कि इसमें हल्की सी गूंज बनती है, तो ऐसी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लिंक के देख सकते हैं आप इसकी कितनी मजबूत है। साइड में इसमें स्टेबार आपको मिलेगी और हिच इसका एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये पावर हैरो चलाने के लिए आपको दिया हुआ है। ये जो है आर्म भी इसकी काफ़ी मजबूत है, देखने में हल्की लग रही लेकिन ये बहुत ही हैवी क्वालिटी के लोहे की बनती हैं। ये डीसीबी वाल जो होता है, जैसे होजरी वाल भी बोल देते हैं, इसे ऑपरेट करने का लीवर जो है यहाँ से दिया हुआ, कंपनी ने दिया हुआ है। पानी की बोतल रखने के लिए जो है यहाँ पे एक अलग से स्टैंड लगा हुआ है। कीमत ये मान सकते हैं आप इसकी इस समय जो है 7,80,000 के आसपास है। और अधिक जानकारी के लिए आप न्यू होलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी पर आकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।